हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि आज आपका 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल से जितने भी आपके करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्री के साथ बताऊंगा। आप सभी चैनल पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश करके ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ पड़े आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फिर उसके बाद फुल डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, पहले खबर आपकी, भारतीय मूल की सांसद लीजा नंदी को ब्रिटेन की विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरी सबसे बड़ी खबर यहाँ निकल के आती, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदों आदि के तनख्वाह में 2 साल के लिए 30% की कटौती का निर्णय लिया है। तीसरी सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $2.9 मिलियन पैकेज देने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में एक हाईवे विवाद के कारण केरल व कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। नेक्स्ट आपका है, 7 अप्रैल को रवांडा में नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, नरसंहार के रूप में। नेक्स्ट आपका, केंद्र सरकार ने कोरोना के जांच व इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद जिब्रिल का हाल ही में हुआ है निधन, जो कि प्रधानमंत्री थे कहाँ के, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपके, तमिलनाडु ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2019 के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए अखिल भारतीय स्तर पर टॉप किया है। नेक्स्ट आपका, सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए पेटा के हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, प्रवीण राव को हाल ही में नॉसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट सबसे बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ में मालेशिया व थाईलैंड के भारोत्तोलकों को टोक्यो ओलंपिक में प्रतिबंधित कर दिया गया है डोपिंग के मामले में पकड़े जाने के बाद। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर को वेरी इंटरेस्टिंग के साथ मैं डिस्क्राइब करूंगा। भारतीय मूल की सांसद लीजा नंदी को किस देश की विदेश छाया मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपके यूनाइटेड किंगडम में जो है भारत की जो है छाया मंत्री हैं आपकी, कौन, लीजा जी को जो है यूनाइटेड किंगडम ने छाया मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, छाया मंत्री का मतलब क्या होता है? एक शैडो से इसका मतलब मींस होता है। जैसे कि भारत में अभी एनडीए की सरकार चल रही है, विपक्ष में कांग्रेस सरकार चल रही है। जिस प्रकार से अभी मैं बात करूं कि अपने यहाँ जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक उसी प्रकार से यूके में जो है जो कैबिनेट मंत्री में आपकी निर्मला सीतारमण जी तो रहेंगे ही, लेकिन विपक्ष में भी आपका एक वित्त मंत्री रहेगा, जो कि क्या सही क्या गलत कर रहा है, वास्तविक जो कैबिनेट मंत्री में आपका वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, ये क्या सही या क्या गलत कर रही हैं, इसकी देखभाल करने के लिए विपक्ष में भी एक वित्त मंत्री बनाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपकी जो छाया मंत्री हैं आपकी सांसद लीजा नंदी जी को बनाया गया है यूके का, आपका क्या बनाया गया है, यूके का आपका बनाया गया है छाया मंत्री। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें यूके में दो ही सरकारें हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक आपकी लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी से आपके बोरिस जॉनसन जी बिलोंग करते हैं, जो कि हाल ही फिलहाल में वर्तमान में वो आपके कहाँ के, यूके के प्रधानमंत्री हैं। देखिए यहाँ आपको छाया मंत्री, इनको यूके में क्या कहा जाता है, तो इनको हर मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन कहा जाता है, इस नाम से छाया मंत्री को यूके में जाना जाता है। यदि मैं बात करूँ आपको भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में अधिकांश चीज़ें जो ब्रिटेन से ली गई हैं, सबसे पहला आपका है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सेकंड आपका नॉमिनेशन हेड प्रेसिडेंट हु विल परफॉर्म लाइक द क्वीन, जैसे कि आपका यूके में क्वीन या राजा या रानी होती हैं, ठीक अब उसी प्रकार से अपने देश में कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है यानी राष्ट्रपति होता है। तीसरा आपका पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अपने भारत में भी है और आपके ब्रिटेन में भी है। लोअर हाउस मोर पावरफुल, यहाँ जैसे कि लोअर हाउस मोर पावरफुल होता है आपके यूके में, तो अपने यहाँ जो आपका अपर हाउस होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है। सिंगल सिटीजनशिप आपकी ब्रिटेन में भी है और भारत में भी है। आपका प्रोग्रेसिव राइट्स भी यूके में भी है, अपने भारत में है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपका भारत में भी है, वहाँ भी है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैच करती हैं भारत और यूके से। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, मुद्रा आपका पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, महाद्वीप यूरोप है और यूरोप महाद्वीप कहाँ पे अवस्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाहूँगा
इंग्लैंड, इंग्लैंड वेल्स और आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों से मिलकर आपका ग्रेट ब्रिटेन बनता है जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा, लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता सर क्रिक स्टार्क ने 5 अप्रैल को भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को अपनी छाया विदेश सचिव के रूप में नामित किया है। स्टार्क की नई समिति के कोरोना वायरस महामारी के लिए लेबर की प्रक्रिया के समन्वय के लिए जिम्मेदारी होगी। लीजा ईवा नंदी ने 2010 से विपक्ष के लिए संसद सदस्य के रूप में संसद में कार्य करेगी लीजा जी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आज का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए प्रधानमंत्री और अन्य सांसदों को वेतन में 30% की कटौती करने का अध्यादेश मंजूर दी है। देखिए, ये आपका जो 30% की कटौती करनी है, ये आपके एक साल तक जो है 30% की कटौती की जाएगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए और आपके जजेस हो गए, इस सभी लोगों का जो है कटौती किया जाएगा। MPLA का आपका 2 साल की कटौती की जाएगी। देखिए, आपकी सैलरी जो है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कैबिनेट मंत्री जितने हैं, सभी की सैलरी 30% की कटौती की जाएगी एक साल तक की। और MPLS यानी कि किसी भी MP को जो उसके क्षेत्र में विकास के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो उन्हें 2 साल तक जो है पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ आपके 2 साल के पैसे रोक दिए जाएंगे उनके 1 साल के, तो टोटल आपके 8900 करोड़ रुपए की बचत होगी। अच्छा, ये 8900 करोड़ रुपए कहाँ जाएगा? तो ये आपके संचित निधि में जाएगा। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि वह प्रक्रिया है जिसमें आप पर कर लगता है और वो लगा हुआ कर टोटल जाके जमा कहाँ पे होता है? आपका संचित निधि में होता है। जैसे कि आप पर डायरेक्ट कर लगता है, इनडायरेक्ट कर लगता है, विदेशों से यदि आपने लोन लिया है तो उसका भी जो लोन होगा, वो सारे पैसे इकट्ठे होके कहाँ पे आपके जमा होते हैं? आपके संचित निधि में इकट्ठे होते हैं। यदि बात की जाए यदि कि आपका संचित निधि जो है, क्या ये पैसे आपको गवर्नमेंट खर्च कर सकती है? तो नहीं खर्च सकती जब तक कि संसद इसको अनुमति ना दे दे। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है, कैबिनेट रिड्यूस सैलरीज ऑफ MPS बाई 30% फॉर ईयर, नो MPLAT फंड फॉर 2 ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके कैबिनेट मंत्री है, सभी के 1 साल के तनख्वाह की 30% कटौती की जाएगी और आपके MPLADS जो है इनके आपके 2 साल के जो इनके विकास क्षेत्र के लिए पैसे दिए जाते थे वो रोक दिए जाएंगे। और जानकारी आपको देना चाहूँगा किन लोगों की, अच्छा यहाँ पर सैलरी कटने वाली, सबसे पहले प्रेसिडेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा चीफ जस्टिस, था आपका कैग जो कि जिसका 148 में इसका विवरण दिया गया है, कैग का कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का, और जजेस ऑफ हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट के जज जितने हैं, सारे के सारे लोगों की आपकी 30% सैलरी 1 साल के लिए कट कर दी जाएगी। यहाँ पे और बातें निकल के आती हैं जिनके बारे में बताऊँगा। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जो होता है कि जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट आपका अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक उसी प्रकार से राज्य में आपका गवर्नर जो है 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जो कि 6 माह से 6 सप्ताह तक इसकी अवधि होती है इस अध्यादेश की। मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और अन्य सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करने की मंजूरी दे दी है। उनके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपाध्यक्ष के वेतन में कटौती की जानी है। सदस्यों से काटी गई राशि भारत के समाकित कोष में जाने के लिए कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है कि MPLADS को 2 साल के लिए निलंबित किया जाना है। MPLADS का मतलब मैंने आपको बता दिया, जितने MP सांसद हैं इनको अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए जो पैकेज दिए जाते हैं वो पैकेज रोक दिए जाएंगे 2 साल तक के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस देश ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $2.9 मिलियन के पैकेज की घोषणा कर दी है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोस्तों ये आपका USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भारत को $2.9 मिलियन पैकेज देने की घोषणा की है। यहाँ पर आपकी एक दवाई थी हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, ये दवा जो आपकी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम थी, तो भारत सरकार ने इस पे बैन लगा दिया कि हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका हम निर्यात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने यहाँ देश में जो है कोरोना के चलते हुए इस दवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए भारत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था इसको बाहर विदेशों में सप्लाई करने से। तो BBC न्यूज़ ने क्या कहा कि ट्रंप के दबाव में आकर भारत इस दवा को रिलीज़ करेगा,
भारत इस दवा को जो है बाहर बाहरी देशों को जो है अपना एक्सपोर्ट करेगा अपनी इस दवा का, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन का। तो ऐसी बात नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ऐसा होता तो मैं एक न्यूज आपको और सामने दिखाने वाला है जिसमें 2.9 मिलियन डॉलर की पैकेज की घोषणा किसने की है, अमेरिका सरकार ने की है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, US डोनेट $2.9 मिलियन पैकेज टू हेल्प इंडियन बैटल कोरोना वायरस। यदि ऐसी बात होती तो कोई पैकेज नहीं देता भारत को, लेकिन आपको बता दें कि टोटल 30 देश ऐसे हैं जो इस दवा की मांग कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी इस बात की, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन के दिन बढ़ती जा रही है। इस गर्मी गर्मा के माहौल में भारत अपनी ये दवा जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। BBC न्यूज़ रिपोर्टर और डोनाल्ड ट्रंप के मध्य क्या बातें हुई, वो सारी जानकारियाँ आप इसमें पढ़ के जान सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि भारत ने अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिया है, किसने लिया है, भारत ने किससे लिया है, अमेरिका से लिया है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट का स्थान है वो किससे लिया है, ये भी अमेरिका से भारत ने लिया है। नेक्स्ट आपका है सुप्रीम कोर्ट का जो एक पद है भारत ने लिया है, ये भी आपका किससे लिया है, तो ये आपका अमेरिका से लिया है भारत ने। प्रोविजन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का जो प्रोविज़न है वो किससे लिया है, तो ये भी आपका अमेरिका से लिया है। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो फंक्शंस है उसको भी जो है भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कहने का मतलब यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मध्य की जो कड़ियाँ हैं उनकी जो रिमूवल की कड़ियाँ हैं वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने अमेरिका से लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं। यूएस की राजधानी आपका क्या है, Washington DC है। मुद्रा डॉलर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, महाद्वीप अमेरिका है। अमेरिका जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ये जो महाद्वीप है यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अमेरिका सरकार ने भारत सरकार 2.9 मिलियन डॉलर की देने की घोषणा की है। यह फंड अमेरिकी सरकार ने अपनी सहायता एजेंसी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के माध्यम से जारी किया था। इसका उद्देश्य भारत को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद करना है। उम्मीद है कि यह सहायता COVID-19 को भारत की प्रतिक्रिया का समर्थन करेगी और भारत COVID-19 से लड़ने में सक्षम हो पाएगा और अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को डगमगाने से भी संभाल पाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी ये लॉकडाउन खत्म होगा, जितनी जल्दी COVID-19 का प्रकोप खत्म होगा, ठीक उसी प्रकार से भारत का जो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके जितने भी फैक्ट से सारे क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोरोना के कारण राजमार्ग बंद करने के लिए विवाद के कारण किन दो राज्यों के मध्य विवाद हुआ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल और कर्नाटक के मध्य ये विवाद हुआ था। तो मैं यही वो हाईवे है जिस पर जो है कर्नाटका सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि केरल सरकार का कोई भी व्यक्ति इस राजमार्ग से नहीं गुजर सकता। तो क्यों नहीं गुजर सकता, सुप्रीम कोर्ट यानी SC ने केरल और कर्नाटक के सरकारों से कहा कि वे कासरगोड जिले केरल को मंगलुरु कर्नाटक से जोड़ने वाली सड़क के विवाद पर सौहार्दपूर्वक निपटारा करें। कहने का मतलब ये है कि केरल में जो आपका कासरगोड पड़ता है और मंगलुरु आपका कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में मंगलुरु है, मंगलुरु में बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपके केरल के मरीज जाके अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन केरल में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोग पाए जाने के कारण जो है कर्नाटका सरकार ने मंगलुरु रूट को एकदम बंद कर दिया है। इसीलिए जो है केरल सरकार जो है जाके कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1)(d) का जो है उल्लंघन होता है। आर्टिकल 21 में क्या होता है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है आपको कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है और 19 एक स्वतंत्र रूप से जीने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रवांडा में नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को जो है नरसंहार पर राष्ट्रीय दिवस को तारीख रूप में मनाया गया है। देखिए क्या हुआ था कि एक बड़ी जातियाँ थी, एक छोटी जाति थी, एक बड़ी जाति थी, बड़ी जात के लोग छोटी जातियों को दबा के कुचल के मार दिया था, तभी से जो है ये आपकी
टुट्सी जो जनजाति है, टुट्सी जनजाति 1994 की बात है, रवांडा के आपके जूनोसाइट की है। टुट्सी जनजाति बहुत बड़ी जनजाति थी जो कि होतू जनजाति को जो है दबा के मार दिया था, क्योंकि कम लोग थे और उनको ऊपर बहुत सारे जुल्म किया और अंततः उनको जो है एकदम से ख़त्म कर दिया। तभी से ये जो आपके 1994 की बात है, तभी अभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाना शुरू कर दिया है। रवांडा राजधानी किगाली है, मुद्रा रवांडा फ्रैंक, राष्ट्रपति पाल कामगे है, महाद्वीप आपका अफ्रीका। ये आपके रवांडा का मानचित्र देख पा रहे होंगे। अब रवांडा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, रवांडा से जुड़ी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे देखिए, आपका एक समझौता हुआ था, किगाली समझौता 2016 में हुआ था, जिसमें आपका HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यूज पर जो है मनाही कर लगाई थी, इस पर प्रतिबंध लगाया था कि 2040 तक HFC का यूज नहीं करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो है ये ग्रीन हाउस गैस थी, ये ग्रीन हाउस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी, जिसके कारण से वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी। 1987 में O3 क्या आपका ओजोन क्षरण में आपकी CFC गैस बहुत मुख्यदायी उत्तरदायी थी, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, जिसको जिस पर प्रतिबंध 1987 में लगा दिया गया था। मॉन्ट्रियल करके एक समझौता हुआ था 1987 मॉन्ट्रियल, जो कि ओजोन क्षरण पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इफेक्ट पड़ रहा था, जिसके कारण से ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा था। अब HFC पे भी रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस को मुफ्त जांच और उपचार प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत कब से स्टार्ट किया गया? 23 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत जो है स्थापित किया गया, स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें 5 लाख रुपये जो है स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, दवाओं के लिए दिया जाता है। ओके मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महमूद जिब्रिल का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसके 4 ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन पर टिक करना फटाफट राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीबिया। लीबिया के ये प्रधानमंत्री थे जिनके नाम महमूद जिब्रिल था, जो कि मृत्यु 67 वर्ष की आयु में हो गई। ये लीबिया का जो आपका मानचित्र, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मुद्रा लीबिया दिनार, प्रधानमंत्री फैजल सर्राज है, महाद्वीप अफ्रीका भूमध्यसागर में ये स्थित है। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2019 के तहत किस राज्य ने सूक्ष्म सिंचाई के लिए अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु के साथ साथ और राज्य भी रहे, तमिलनाडु पहले स्थान पे, कर्नाटका दूसरे स्थान पे, उसके बाद आपका गुजरात आ जाता है तीसरे स्थान पे। तो यहाँ से आपके जितने भी फैक्ट हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने क्लियर किए, लेकिन आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत में और भी बाकी चीज़ें जिनके बारे में बताऊँगा, इसका लोगो कह रहा है हर खेत को पानी, दूसरा मोरो क्रॉप पर ड्रॉप, मेरे क्रॉप पर ड्रॉप, ये दो चीज़ें याद कर लीजिएगा। देखिए ये आपका नीचे सबसे नीचे दिख रहा होगा क्या, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है, जिसके बारे में आप सभी अच्छे तरीके से जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पे आपका मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में ही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, मैं सब बताना चाहूँगा कि यहाँ जो आपका तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से बारिश हो जाती है, कहाँ पर होती है? तो तमिलनाडु में होती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से जितने सारे फैक्ट थे वो सारे के सारे मैंने क्लियर कराए। और नेक्स्ट आपका आ जाता है मित्रों, तमिलनाडु राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एडप्पाडी पलानी स्वामी, लोकसभा सीटें 39, विधानसभा सीटें 235, राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, समुद्री गुंडाई अन्नामलाई, इंदिरा गांधी मुदुमलाई मुखर्ती, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी है, और आपके राज्यसभा सीटें कितनी 18। तो बहुत सारे फैक्ट मैंने क्लियर करा दिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्क्रीन के सामने, सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए पेटा के हीरो 2 एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके नवीन पटनायक जी को हीरो 2 एनिमल्स पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस संस्था ने इन्हें सम्मानित किया है? तो ये आपके पेटा संस्था ने इन्हें सम्मानित किया, 54 लाख रुपए इन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए दिया था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, लोकसभा सीटें 21, विधानसभा सीटें 147, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका सिमलीपाल, राज्यपाल गणेशी लाल, राज्यसभा सीटें 10 हैं। नेक्स्ट आपका है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैसकॉम के
नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण राव जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किन दो देशों को भारोत्तोलकों को टोक्यो ओलंपिक भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आप सभी को मैंने बताया है कि ये आपके ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया और थाईलैंड के जो भी एथलीट थे इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? ओलंपिक ने लगा, टोक्यो ओलंपिक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये आज की जो ट्रिक है, प्रमुख अग्नि चट्टाने, जो प्रमुख अग्नि चट्टाने इनकी ट्रिक है, बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा, बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा, बे से आपका बेसाल्ट, बी से आपका बिटुमिनस कोयला, बेबी होगा गैस से आपका गैब्रोस, और सा से आपका साइनाइड, बेबी गैस, ग्रीन से आपका ग्रेनाइट, पे से आपका पेगमेटाइट, और डा से डायरोटाइट। तो इस प्रकार से आपकी ट्रिक कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रमुख दिवस, जो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 10 अप्रैल में विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने मित्रों के साथ। जय हिंद मित्रों।